आज मैं यहां आया हूं तब इंडी अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई ये ममता दीदी इंडी अलायंस की सदस्य रही, मंत्री भी रही, आपके मंत्री भी वहां रहे, 10 साल में बंगाल के लिए आपने क्या दिया? वो जवाब नहीं देती है, मगर मैं जवाब लेकर आया हूं बंगाल वालों, यूपीए की सरकार में बंगाल में केवल और केवल 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था, केवल 2,09,000, 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया, और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 10 साल में 2,09,000 करोड़ के बनाम 7,74,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी। मगर मोदी जी जो पैसा भेजते हैं ये करप्शन की बलि चढ़ जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप चिंता मत करिए, आपके अच्छे दिन अब दूर नहीं है। 2026 विधानसभा की गणना के साथ ही यहां पर अच्छे दिन भी शुरू होने वाले हैं, ये आप मान कर चलेगा। भाइयों बहनों, ममता जी हमेशा कहती हैं कि हमें अन्याय हो रहा है नरेगा का। ममता जी, नरेगा में यूपीए के समय में 15,000 करोड़ रुपया दिया, यूपीए में आप सरकार में शामिल थी, एनडीए में नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 54,000 करोड़ रुपया दिया है। मगर मैं आज एक बार पूछकर जाता हूं, ये 54,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लाभार्थियों के पास पहुंचता है या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचता है, इसकी जरा जांच कर लेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके समय में 5,400 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था, हमारे समय में 17,000 करोड़ दिया। आवास योजना आप जब केंद्र में सत्ता में थे 4,500 करोड़ दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने 4,500 करोड़ के सामने 50,000 करोड़ देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आवाज आजीविका मिशन आपने सिर्फ 630 करोड़ दिया था, हमने 91,000 करोड़ और आजीविका मिशन में 45 करोड़ देने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मैं ये आसपास के सभी नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लॉ एंड पोर्ट ऑथोरिटी इसका और आगे अभी विकास करेगी, पेट्रोपोल का और इस पूरे क्षेत्र के विकास का एक ऊर्जावान स्थान बनकर रहेगी। और मैं ये बड़े इनिशिएटिव के दिन आप सभी को आने वाली दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी जरूर देना चाहूंगा। भाइयों बहनों, पूरा बंगाल सुजलाम सुफलाम बने, हमारा बंगाल सोनार बांग्ला बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए वंदे मातरम, जय श्री राम। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত, আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।